गुड नाइट दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 500 और 1000 रुपए की नोट जो नरेंद्र मोदी ने आज कैंसिल कर दिया है उसके बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। पूरी वीडियो को सुनिएगा और उसके बाद ही कुछ सिद्धांत अपने तरफ से लेना, ठीक है? तो हम चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पब्लिक को संबोधन करते हुए ये बताया कि 500 और 1000 रुपए की नोट आज रात यानी कि 8 नवंबर के रात के 12 बजे के बाद से यानी कि 9 नवंबर से ये पुराने जो 500 और 1000 की नोट है वो कैंसल्ड और डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे आप? चिंता की कोई बात नहीं, हलचल मत मताइए, एटीएम में भीड़ मत कीजिए, ठीक है? आपके पास थोड़े बहुत पैसे तो होंगे सबके पास काम चलाने के लिए, तो उससे काम चलाइए थोड़ा, ठीक है? तो उन्होंने जो स्पेसिफिक रीज़न बताया इसके बारे में वो है कि पाकिस्तान से कुछ नोट, सेम नोट ऐसे देश में आ गया है और आतंकवादी उस नोट को काम में लगा रहा है, और जो हमारे काले धन जो रखते हैं यानी ब्लैक मनी वो रिकवर करने के लिए या फिर उसको कैंसिलाइज्ड करने के लिए ये स्कीम नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाया है, ठीक है? तो इसमें क्या क्या खूब आया है? पहली तो बात है, सरकार ने 500 और 1000 के नोट, पुराने नोट जो भी थे वो डिमोलाइज्ड कर दिया है आज रात से, और इसके अगेंस्ट न्यू नोट्स 500 के, 1000 के और नए एक नोट 2000 के एक नोट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है? और पब्लिक को ये समय दिया गया है कि आज से यानी कि 10 नवंबर से 50 दिन तक वो अपने नोट्स बैंक में या पोस्ट ऑफिस में रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है? और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है, कल यानी कि वेडनेसडे को सभी एटीएम क्लोज रहेंगे, क्योंकि एटीएम में जो भी नोट पहले से भरा हुआ है उसको निकालना पड़ेगा और उसमें नया जो नोट है वो भरना पड़ेगा। इसीलिए कल यानी आज रात 12 बजे से सभी एटीएम को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए चिंता की कोई बात नहीं, आपको नोट मिलता ही रहेगा। और आरबीआई ने ये एश्योर किया है कि जो नोट है वो उन्होंने बहुत स्टॉक में लिया हुआ है और सभी बैंकों को एक दिन में या फिर दो दिन में सभी नोट भेज दिया जाएगा, यानी कि आपको अपना नोट वापस मिल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा शर्त लागू कर दिया है सरकार ने, क्योंकि पब्लिक जो है, हम लोग जो है ना, वो लोग बहुत नासमझ टाइप के होते हैं, सभी नहीं पर ज़्यादातर आदमी होते हैं कि वो खुद नासमझ होते हैं, ये इसीलिए वो भागम भाग में लगे रहते हैं, क्या नोट बातिल हो, कैंसिल हो गया, अरे यार मेरे पास बहुत सारे नोट है, उसको कैसे मैं निकालूँ, आज ही मैं सब डाल देता हूँ। ज़रूरत नहीं है, आज आपको उतना नोट की ज़रूरत लगी नहीं है, फिर भी आप जा रहे हैं बैंक में और जाके मेरा नोट चेंज कर दीजिए, मेरा नोट चेंज कर दिया, ऐसे भागम भाग लगा दिया। कोई भागम भाग मत लगाइए, आपको 50 दिन का समय दे रहा है। एक आम आदमी के पास कितना पैसा रहता है, पकड़ के चलिए, एक आम आदमी के पास कितना पैसा रहता है, 50,000, 60,000, 1,00,000? तो आप 50 दिन है भैया, आपको धीरे धीरे आप चेंज करवा लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने जो अभी रूल लाया है कि अभी दो चार दिन अभी 2000 करके आप चेंज करेंगे, उसके बाद 4000, उसके बाद अब 10,000 पार्ट डे के चेंज करवा सकते हैं, ठीक है? और एक सुविधा है, अब समझिए आप बात को, अगर आपके पास अकाउंट है बैंक के या फिर पोस्ट ऑफिस के, तो आपके पास समझिए 20,000 रुपया है या फिर 30,000 रुपया है, तो आप वो 30,000 रुपये आपके पोस्ट ऑफिस या बैंक में आप सीधे अपने खाते में जमा कर दीजिए, हो जाएगा जमा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। बाद में आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप उसको उठवाइए। अभी तो ये जो लिमिट दिया गया 10,000 दिन के है, बाद में थोड़ा इसको बढ़ा के 20,000 कर देंगे, ठीक है? ये है। और एक बात कहनी है, अभी सरकार ने 72 घंटे यानी रात 12 बजे से 72 घंटे यानी कि 11 नवंबर रात 12 बजे तक
कुछ जगह पे ये छूट दिया है, जैसे कि हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एयरलाइंस, रेलवेज, मेडिसिन शॉप्स, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको 500 और 1000 रुपए के नोट मिल जाएंगे, या फिर पेट्रोल पंप, ठीक है। लेकिन अभी हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप में पंप वाले पैसा नहीं दे रहे छुट्टे का। अरे भाई, छुट्टे का पैसा कहाँ से देगा वो, उसके पास होगा ना तभी तो देगा ना। अगर आप पब्लिक, हम पब्लिक अगर सब चले जाए, 200 रुपए के तेल लेंगे और 500 रुपए का एक नोट थमा दिया, तो भैया वो 300 रुपए का नोट कहाँ से देगा, ये तो समझिए। अगर ऐसे 300 रुपए का नोट 100 आदमी गया तो उसको कितना रुपए लगेगा, 300 का कितना रहता है एक पेट्रोल पंप में 300 रुपए के नोट। अभी सब लोग जा रहे हैं कि हमको 100 रुपए का तेल चाहिए, 400 रुपए वापस दीजिए, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा धीरज रखिए, सबको अपना पैसा मिल जाएगा और सब आपका अपना पैसा चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। और जो एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, समझिए धीरे से, जो यंग जनरेशन और या फिर कोई भी आदमी हो जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर एटीएम कार्ड में यूजेस करते हैं, यानी कि POS परचेज करते हैं दुकान में एटीएम कार्ड को घिस के या फिर पेट्रोल पंप में, तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पैसा तो आपके बैंक में ही है भैया, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने एटीएम कार्ड को यूज़ कीजिए और आप पेट्रोल लीजिए, सामान खरीदिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होगा वो होगा रूरल सेक्टर में, जहाँ में इन सब चीज़ों का ज़्यादा सुविधा नहीं है, ठीक है। तो फिर भी मैं उन लोगों को लिए भी मैं ये बताना चाहूँगा कि चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे थोड़ा 2-4 दिन इसमें प्रॉब्लम होगा, लेकिन सबको ठीक टाइमली सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और आपको अभी टाइम दिया गया है कि दिसंबर के 30 तक आपको अपना नोट बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करके उसको वापस या फिर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आपका अगर अकाउंट है, आप अकाउंट में पूरा नोट जमा कर दे, एक दिन में 30,000-20,000 जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो ले लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको चेंज करना है या फिर एक्सचेंज करना है, तब आपको जो नियम मैंने बोला है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके भी ऊपर एक सुविधा दिया गया है, सरकार ने दिया हुआ है कि अगर किसी ने 30 दिसंबर तक अपनी नोट चेंज ना कर पाए किसी भी कारण से, तो मार्च के 31 मार्च 2017 तक वो ID प्रूफ दिखाकर RBI से कॉन्टैक्ट करके अपने नोट चेंज कर सकते हैं। और इस बारे में मैं बता दूँ, अगर आपको नोट चेंज करना है तो आपको अपना ID प्रूफ यानी कि वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ये थे मेन कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो इस बारे में बोलना था मुझको। सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी की सरकार यानी BJP की सरकार ने जो ये डिसीजन लिया है, ये देश के हित में है और देश को आगे ले जाने में बहुत उपयोगिता है इसमें। मैं किसी भी पार्टी या फिर किसी भी पॉलिटिकल एंगल से मैं बात नहीं करता हूँ और मैं किसी भी पार्टी के समर्थक भी नहीं हूँ, लेकिन एज ए गुड इंडियन सिटीजन एंड आई हैव मस्ट अवर द पीपल ऑफ आवर इंडियंस और आवर कंट्री अबाउट दिस मैटर। पब्लिक ये समझती है कि सरकार ने ये क्या सिद्धांत ले लिया कि पब्लिक को हैरस हो गया, ऐसा कुछ बात नहीं है। पब्लिक को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ये सिद्धांत लिया है, क्योंकि जो नोट का जो कालाबाजारी होता है या फिर जो डुप्लीकेट नोट होता है, वो ज़्यादातर 500 या फिर 1000 के नोट में ही होता है। तो सरकार ने वो पूरा नोट डिसमिस करके या फिर डिमोलिस्ट करके जो 500 और 1000 के नया नोट लाया है, उसको इतनी आसानी से पब्लिक तो समझ जाएगा कौन से असली नोट है, कौन से डुप्लीकेट नोट है। जो जाली नोट बनाते हैं ना, डुप्लीकेट नोट, वो इसमें बना नहीं सकते जल्दी से। सरकार ने और एक बड़ा नोट लाया है, वो है 2,000 रुपीज़ की नोट, क्योंकि कुछ आदमियों की समझे 20,000 की ज़रूरत है, तो 10 रुपये 10 नोट 2,000 का लेकर चला गया, तो उसका 20,000 थोड़े से जगह में ही चला जाएगा, ठीक है। 100-100 रुपये की गड्डी को अपने पॉकेट में, अपने जेब में नहीं ले जाना पड़ेगा, इसलिए सरकार ने ये नोट लाया है।
और नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे जो बड़ी सुविधा होगी इसमें वो है जो काला धन है, काला धन वालों को पूरा हो गया खत्म, उन लोगों के लिए ये जो स्कीम लाया है सरकार बहुत ही चिंता में आ जाएगी। समझिए एक आदमी के पास 2000 करोड़ है, यहाँ पे 200 करोड़ है छोड़िए, तो क्या करेगा अभी, कैसे उसको यूटिलाइज करेगा? वो नोट तो कल से कैंसिल हो गया है भैया, वो क्या करेगा? उसको करना पड़ेगा अपने जो काला धन है वो सरकार के पास उसको जमा करना पड़ेगा, ये कह के कि मैंने इसमें कोई टैक्स नहीं दिया है, मैंने समाप्त कर दीजिए हमको, हमने कोई टैक्स नहीं भरा है, इसको आप टैक्स में जितना भी इसका ऊपर टैक्स पड़ेगा टैक्स लीजिए, फाइन लीजिए, और मेरा जो काला धन है उसको सफ़ेद कीजिए, ठीक है? तो ये सरकार की तरफ से सबसे बड़ी सिद्धांत होगा काला धन को देश के हित में काम लाने के लिए। और एक जो है सरकार ने कदम उठाया था जन धन योजना, जन धन योजना, तो सरकार चाहती है कि पब्लिक की पैसा जो है वो घर में ना रहे, वो बैंक में रहे या फिर इन्वेस्टेड रहे। तो उसमें क्या होगा, पब्लिक को अपना इन्वेस्टेड पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा और पब्लिक वो पैसा को सिस्टम में ही घुमाएगा, तो सिस्टम में जब वो घुमाएगा तो इसका सुविधा किसको होगा, पूरी कंट्री को होगा। तो प्लीज़ मैं सबसे विनती करता हूँ, भगम भग मत मचाइए, किसी भी अफवाह पे विश्वास मत कीजिए, धीर रहिए, शांत रहिए, सरकार जो भी सिद्धांत लेगी देश की जनगण के हित में ही लेगी, ठीक है? नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और एक बात, एज ए न्यू यूट्यूबर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक्स और कमेंट्स दीजिए। इस वीडियो के बाद आप कमेंट्स देंगे तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा, कमेंट वो चाहे पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? ओके, गुड नाइट, बाय बाय। I remember you, if you remember.